करेगा, लेकिन हमारा कोई गठबंधन नहीं। देख रहे दर्शकों को नमस्कार, इसमें मौजूद है चुलाना के पुराने बस स्टैंड पर, आप देख सकते हैं दृश्य में राजू मोर को आज दोबारा भी बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर चुलाना में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन सतीश अधवाला व कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। इस समय राजू मोर का चुलाना में पहुँचने पर जोरदार स्वागत हुआ, फूलमालाओं से लाद दिया। आप देख सकते हैं युवा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राजू मोर जैसे ही दिल्ली से चुलाना पहुंचे तो सतीश अधवाला के नेतृत्व में युवाओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। अध्यक्ष जी, आपको बीजेपी ने दोबारा अध्यक्ष नॉमिनेट किया, आप पर विश्वास जताया है, लोकसभा चुनाव होना पे किस तरह की तैयारियां करेगी बीजेपी? देखिए, मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और सभी जो जिला इकाई है हमारी पूरी टीम के सहयोग से उनके साथ लेके हमने अच्छा काम किया है। पार्टी ने दोबारा मौका काम करने का दिया है, पूरी टीम के साथ लग के लोकसभा चुनाव जो 2024 मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छी तैयारी हमारी। और जीन जिले में हमारी 3 लोकसभा पड़ती हैं, सिरसा, हिसार और सोनभद्र, तीनों लोकसभा में हमारे पूरी मजबूती के साथ टीम तैयार है और अच्छा चुनाव लड़ेंगे और तीनों लोकसभा की जो हमारी विधानसभा पड़ती है 5 विधानसभा में जीत देंगे। तो बात की जाए प्रधान जी, जो जो जुलाना का विकास है लगातार विकास के मामले में पिछड़ता जा रहा है, जब आप भी हाईवे से आए हैं जुलाना शहर के अंदर से जा रहे थे तो गड्ढे हैं, पिछले 5 से 1-1 फुट के गड्ढे हो चुके, और बीजेपी कहती है हमने हरियाणा का सम्मान विकास कराया है, तो जुलाना में तो कोई नजर नहीं आ रहा विकास। आप कंपैरिजन कर रहे हो या अभी का बता रहे हो? कंपैरिजन करो, आप कंपैरिजन करो आज से 9 पहले के जुलाना को, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था जुलाना मेरा गढ़ है जी, क्या करता हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, 100 से ऊपर लगभग रुपये लग चुके हैं बाढ़ के नियंत्रण पे जी, इतनी पाइपलाइन बिछ चुकी है। पिछली बार ठीक है बारिश भी कम हुई है, लेकिन पाइपलाइन जो बिछी थी उनने भी अपना काम किया और अब की बार पूरे इलाके में गेहूं की बिजाई है जी जी। ये तो ये डेवलपमेंट का जी जी, आप एक सड़क देख के जी, जुलाना जो शहर के बीच की एक सड़क देखी जी जी, उसको अगर कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुई जी, 152D यहाँ से निकला है जी, जीन से रोहतक रोड ये बना है जी जी, बना तैयार हो गया ना तो जी जी जी, छोटी सड़कों के डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं जी, धीरे धीरे वो भी पूरे हो जाएंगे एकदम सारी चीजें। 70 के इतिहास को 10 गाँव है, शहर की बात करें सब नगर पालिका की बात करें, कितने करोड़ रुपए दिए बीजेपी सरकार? नगर पालिका में भी काम हुए हैं, गलियां बनी हैं, मेरे पास पूरा डाटा भी है नहीं, अगर आप कभी फिर टाइम दोगे तो मैं पूरे डाटे के साथ आपके सामने बैठूंगा, ऐसी बात नहीं है, काम हुए हैं और जो काम रह गए ना लोग दे रहे हैं, हम करवा रहे हैं। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले मैदान में आएगी जेजेपी के साथ, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में आएगी? गठबंधन कहाँ है जेजेपी के साथ? कहाँ नहीं है गठबंधन, कहाँ है? हरियाणा में अभी विधायक भी तो गठबंधन सरकार में होगा, मैं बीजेपी का जिला अध्यक्ष हूँ जी, मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं, मैं बीजेपी पार्टी का जिला अध्यक्ष। तो बीजेपी भी तो चुनाव लड़ेगी, आप जिला अध्यक्ष हैं, बीजेपी का गठबंधन कहाँ है? गठबंधन है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कहाँ है गठबंधन? सरकार है, सरकार में बैठे हैं, दोनों मंत्री बना रखे हैं जी जी, उसके बाद आगे का आगे जाएगा, आगे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारा कोई गठबंधन नहीं।